दोस्तों सब्सक्राइब करें ये एक्स मनाना यूट्यूब चैनल को और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए अपने मोबाइल पर इस बेल आइकन पर क्लिक करें। दोस्तों स्वागत है आपका एक्स मनाना यूट्यूब चैनल में और आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सैमसंग A31 ठीक है, इस मोबाइल को अगर FRP आपको अनलॉक करना है तो किस तरह से आप अनलॉक कर सकते हैं। दोस्तों मैं बता दूं आज के इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं कि मगमा टूल से आप जो है वन क्लिक में बहुत ही आसानी से किसी भी सैमसंग को, चाहे वो नया मॉडल रहे या पुराना मॉडल रहे, किसी भी मॉडल को आप सैमसंग का कोई भी मोबाइल को FRP या सैमसंग अकाउंट दोनों ही आप आसानी से निकाल सकते हैं, चाहे वो इंडिया कंट्री का रहे या बाहर कंट्री का रहे। आप इस टूल के माध्यम से बहुत ही आसानी से FRP निकाल सकते हैं। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मान के चलिए अगर आपने ये टूल डाउनलोड कर लिया है गूगल से, ठीक है, मगमा टूल, तो यहाँ पे आपको रजिस्टर करना होगा, ठीक है। अगर आप रजिस्टर नहीं किए तो आप रजिस्टर कर सकते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट ऊपर में आपको ईमेल डालना है, नीचे में अपना कोई चॉइस पासवर्ड डालना है 8 डिजिट का, और यहाँ पे राइट साइड में देख रहे हैं रजिस्टर का बटन, इस पर क्लिक करेंगे तुरंत रजिस्टर हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे रजिस्टर हो जाएगा आप यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे, लॉगिन हो जाएगा। तो मैंने पहले से ऑलरेडी लॉगिन कर रखा है, रजिस्टर कर रखा है, मैंने यहाँ पे लॉगिन कर लिया और मेरे टूल में आप यहाँ पे देख सकते हैं अभी यहाँ पे 1 क्रेडिट शो हो रहा है, ठीक है। यानी कि 1 क्रेडिट मेरे टूल में बचा हुआ और 1 क्रेडिट का जो प्राइस हुआ वो यानी कि 100 रुपए, ठीक है, 1 क्रेडिट 100 रुपए का हुआ। और 1 क्रेडिट में 2 मोबाइल सैमसंग का आप आसानी से अनलॉक कर सकते हैं, कोई भी मॉडल चाहे नया रहे या पुराना रहे, क्योंकि यहाँ पे 0.5 यहाँ पे कॉस्ट दिखा रहा है क्रेडिट, यानी कि आधा क्रेडिट से आप एक मोबाइल को अनलॉक कर सकते हैं। तो अभी मेरे पास यहाँ पे सैमसंग A31 मोबाइल है जो कि मेरे सब्सक्राइबर के कंप्यूटर पर है और मैं यहाँ से उसे अनलॉक करूंगा यहाँ पे इस टूल के माध्यम से, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 2 ऑप्शन है नीचे में, सैमसंग FRP अनलॉक करने का और सैमसंग अकाउंट का। लेकिन उससे पहले आप मोबाइल चालू करके लगाएं, यानी मोबाइल को ऑन कंडीशन में लगाना है आपको, डाउनलोड मोड पे बिल्कुल नहीं लगाना है। चालू कंडीशन में मोबाइल लगाएं, ऑन करके लगाएं और इन्फो पे क्लिक मारेंगे, यहाँ पे इन्फो चेक हो जाएगा, ठीक है। मॉडल नंबर यहाँ पे पता चल जाएगा आपको। आप यहाँ पे देख सकते हैं सैमसंग A31 है, M315F, ठीक है, सैमसंग A31। आपको अगर FRP अनलॉक करना है यहाँ पे नीचे वाले बटन पे आपको क्लिक करना है, अनलॉक FRP सैमसंग अकाउंट, इस पे आप क्लिक करोगे, मोबाइल को चालू करके लगाना है आपको, बस कुछ ही सेकंड में आपका मोबाइल जो है यहाँ से अनलॉक हो जाएगा बहुत ही आसानी से, कोई डाउनलोड मोड पे ले जाने की जरूरत नहीं है। अब बहुत ही आसान, जब चाहे आप तब खुद अपने से कर सकते हैं, किसी को आपको फोन करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको क्रेडिट लेना है तो आप मुझे डायरेक्टली डिस्प्ले पर नंबर शो हो रहा है मेरा, ठीक है, आप डायरेक्टली इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप करके या डायरेक्टली कॉल करके इस नंबर पे मुझसे क्रेडिट ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि 10 क्रेडिट आप ले सकते हैं मुझसे, 10 क्रेडिट नीचे हम नहीं दे पाएंगे आपको, आप लास्ट 10 क्रेडिट आप हमसे ले सकते हैं और 10 क्रेडिट में आपका लगभग 20 मोबाइल आपका अनलॉक होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सैमसंग का जो मोबाइल मैंने अभी लगाया था और बहुत ही आसानी से ये अनलॉक हो चुका है। अब हमारा जो यहाँ पे क्रेडिट बचा हुआ है 0.5 क्रेडिट बचा, यानी कि आधा क्रेडिट अभी मेरा यहाँ पे बचा हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे शो हो रहा है मेरा आधा क्रेडिट मेरा कट गया और ये मोबाइल अनलॉक हो चुका है सैमसंग A31। अगर आपको ये टूल डाउनलोड करना है, टूल बिल्कुल फ्री है, आप गूगल में टाइप करेंगे मगमा टूल, ठीक है, ऊपर में लिंक मिलेगा मगमा टूल की वेबसाइट का, वहां पे क्लिक करके आप इस टूल को सैमसंग FRP वाला टूल को डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करके जो है ईमेल आईडी डाल के रजिस्टर करके मुझे कॉल कर सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।